वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं 980 के। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स जिस नंबर के फाइंड आउट करने होते हैं हम उसको यहाँ पे लिखते हैं और प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे लिखते जाते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसको एलसीएम कहते हैं, तो ये एलसीएम नहीं होता हमारे पास, ये हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इस मैथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड कहते हैं। ठीक है, इसको हम एलसीएम क्यों नहीं कहते, क्योंकि सिंगल नंबर का कभी भी हम एलसीएम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, मोर देन वन नंबर है, एक नंबर से ज़्यादा है, वो दो है, तीन है, जितने भी हैं उनका हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये दो नंबर थे, हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया हुआ है, दो नंबर थे इसका एलसीएम फाइंड आउट किया हुआ है, ये तीन नंबर है तो इसका एलसीएम फाइंड आउट किया हुआ है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, इसको एलसीएम नहीं कहना, ये प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने का कौन सा मैथड है, डिवीजन मैथड। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के हमारे पास टू मैथड्स होते हैं, एक होता है फैक्टर ट्री मैथड और एक होता है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो मैंने इन सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट फैक्टर ट्री मेथड से भी हो जाते हैं, बाय डिवीजन मेथड से भी हो जाते हैं। ठीक है, दोनों तरह आंसर तो सेम ही आना, सेम ही फैक्टर्स आने, क्योंकि नंबर सेम है। ठीक है, एट एट की फाइंड आउट किया मैंने। ठीक है, तो अब आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, इसको एलसीएम नहीं कहना। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना। तो प्राइम फैक्टर्स जब भी हम स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पे टू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो यस हम यहाँ पे टू ले सकते हैं। मुझे कैसे पता, अकॉर्डिंग टू रूल है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है टू के लिए, टू का ये रूल होता है किसी भी नंबर को आपने चेक करना हो टू से डिवाइड होता है कि नहीं, उस नंबर का लास्ट डेट चेक करें, किसी भी नंबर का लास्ट डेट जीरो हो या टू हो या फोर हो या सिक्स हो या एट हो, तो इसका मतलब वो नंबर टू से डिवाइड हो रहा है। तो 980 एक नंबर है, इसका लास्ट डेट जीरो है इनमें से है, तो ये नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा, हम यहाँ पर टू ले लेंगे। समझ आया? अच्छा, जैसे अब एक और नंबर मैं बता दूँ आपको, 97 हो, उसका लास्ट ये नंबर टू से डिवाइड होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि 97 एक नंबर है, इसका लास्ट डेट 7 है, इनमें से नहीं है, तो ये नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा। 980 एक नंबर था, इसका लास्ट डेट 0 था, इनमें से था, तो ये नंबर टू से डिवाइड हो गया। ठीक है, और हो जाएगा आगे, मैं करके दिखाती हूँ। अच्छा, टू के टेबल में 980 कितने टाइम्स आता है, डायरेक्टली पता तो यहाँ पर लिख लें, नहीं पता तो इस तरह कर लें कि टू के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा, टू के टेबल में 8 आता, आप इसे कट करके 8 बना लें। टू के टेबल में हमारे पास 8 आता है 4000। ठीक है, हमारे पास क्या था, 9 था, हमने इसे कट करके 8 बनाया, इसका 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया 18। 2 के टेबल में हमारे पास 18 आ गया 9000, और ये 0 का 0 एज इट आ गया। समझ आया कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता था, 9 से छोटा, 2 के टेबल में 8 आता था, आप इसे कट करके 8 बना लें, 2 के टेबल में 8 आ गया 4000, ये 9 था जब कट करके 8 बनाया, इसका 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया 18। 2 के टेबल में 18 आ गया 9000, और ये 0 का 0 वैसे ही आ गया। अगेन यहाँ पे 2 ले सकते हैं, तो यस ले सकते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू रूल 490 का लास्ट डिजिट 0 है इनमें से है, तो ये यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यस हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में हमारे पास 4 आता है 2000, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, आप फिर वही काम करेंगे कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा, 2 के टेबल में 8 आता है, तो आप इसे कट करके 8 बना लें। 2 के टेबल में 8 आता है 4000, ये 9 था जब कट करके 8 बनाया, तो इसका 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आ गया 5000। ठीक है, 245 आ गया अब तो हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 245 एक नंबर है, इसका लास्ट डेट तो 5 है, इनमें से नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 नहीं ले सकते। समझ आया, 2 तो नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं। तो क्या रूल होता है चेक करने के लिए, कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो मुझे डायरेक्टली पता है नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, आप कैसे, वो भी रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। क्या होता है हमारे पास कि जिस नंबर को आपने चेक करना हो तीसरे डिवाइड होता है कि नहीं, उस नंबर के डिजिट्स प्लस कर दें। प्लस करने के बाद अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आता हो, तो पूरा नंबर भी तीसरे डिवाइड हो जाएगा। तो 245 एक नंबर था, इसके डिजिट्स इस तरह प्लस करेंगे, 2 में 4 को प्लस करें, 6 में 5 को प्लस करें, 11। तो प्लस किया तो 11 आया, 3 के टेबल में तो 11 नहीं आता, तो इसका क्या मतलब है, पूरा नंबर भी तीसरे डिवाइड नहीं होगा, हम यहाँ पर 3 नहीं ले सकते। पूरा नंबर 3 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से होगा, तो इस 5 से हो जाएगा, क्योंकि 5 के लिए रूल होता है कोई नंबर चेक करना हो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं, उस नंबर का लास्ट डिजिट चेक करें, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट 5 है इनमें से है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब 5 के टेबल में, यस 5 के टेबल में 24
245 कितने टाइम्स आता है डायरेक्टली पता तो यहाँ पर लिख लें, नहीं पता तो हम तो फिर वही करेंगे काम कटिंग वाला, ठीक है। अच्छा मैं कट पेंसिल से कर रही हूँ, अगर किसी को इशू है ना कोई, उसको नहीं अच्छा लग रहा या उसको समझ नहीं आ रही, तो ये कर सकता है कि 980 को जब पता चल गया वो 2 से डिवाइड होता है, 980 को सिंपल अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें, जो यहाँ पर क्वेश्चन में आए ना, ठीक है, आंसर वो आप यहाँ पे लिख लें। इसी तरह 490 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें, जो क्वेश्चन में ऊपर आंसर आता है ना उसको नीचे लिख लें, इसी तरह सॉल्व कर लें। ऐसे कटिंग बेस्ट है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब मैं अकॉर्डिंग टू रूल आपको बता चुकी हूँ कि नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। अब 5 के टेबल में 24 आता है, हमारे पास नहीं आता, 5 के टेबल में 24 नहीं आता, 24 से छोटा 5 के टेबल में 20 आता है, आप इसे कट करके 20 बना लें। 5 के टेबल में 20 आ गया, 4 जा, ये हमारे पास 24 था, जब कट करके 20 बनाया तो इसका 4 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बन गया 45। 5 के टेबल में 45 आता है, 9 जा। अगेन हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं तो नहीं ले सकते क्योंकि 49 का लास्ट डेट 9 है, इनमें से नहीं है, और आपको डायरेक्टली भी पता है 5 के टेबल में 50 आता है, 50 से छोटा 45 आता है, 49 तो नहीं आता। हम यहाँ पे 5 नहीं ले सकते, हम यहाँ पे 5 तो नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, तो 7 के टेबल में 49 आता है, 7 जा, और 7 के टेबल में 7 आता है, 1 जा। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली तो बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 10 नहीं ले लेते हैं, तो 10 कैसे ले सकते हैं बताएं, 10 तो ले ही नहीं सकते, 10 तो प्राइम नंबर है ही नहीं है, उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ तो 10 किसी सूरत नहीं ले सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो आपको मैंने जैसे बताया कि प्राइम फैक्टर जब स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर आगे जाकर प्रॉब्लम होती है, उनके प्राइम फैक्टर्स नहीं सही फाइंड आउट होते, ठीक है, तो जिस तरह मैं आपको समझाया वैसे ही आप करें, ओके। अच्छा जी अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 980 इज इक्वल टू 980 के ये सारे फैक्टर्स आए हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 times 2 है, 1 times 5 है, 2 times 7 है, सही, तो ये प्राइम फैक्टर्स इसका आंसर है। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट करते हैं इस तरह की वीडियोस पे, वीडियोस के नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो आंसर आपके सामने, ये आंसर ही तो है, क्या फाइंड आउट करना था, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे ना 980 के, तो 980 के सारे प्राइम फैक्टर्स ये तो हमने फाइंड आउट किए हैं, ये आंसर ही तो है, ठीक है, समझ आया, तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके पास कोई नंबर आता है तो आप इजीली उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 से 3 वीडियोस देखिए आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, मुझे जो है सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, ओके, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी मेरा भी। अच्छा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।